bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum today we will discuss theories in social psychology there are number of theories that contributed in the field of social psychology and most common theories are motivational theories learning theories then cognitive theories decision making theories interdependence theories and socio-cultural theories

तो क्या होता है हमारे डेफिशिएंसी जो है ये हमें पुश करती है ये हमें मोटिवेट करती है कि हम कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करें कोई स्पेसिफ़िक बिहेवियर परफॉर्म करें ताकि हम उस डेफिशिएंसी को रिकवर कर सकें हम फुलफ़िल कर सकें अपनी नीड को सेगमेंट फ्राइड ने बेसिकली जो है वो फ़ोकस किया था इंटरनल नीड्स एंड इंटरनल ड्राइव्स पे फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस था फ्राइड का सेक्सुअल नीड्स एंड एग्रेसिव नीड्स पे दैन ही टाकड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टिंग्स ये कहते हैं कि हमारे इनहेरिटि टेंडेंसीज होती हैं जो हमें पुश करती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करें सो इट मीन्स दैट बिहाइंड अवर सोशल बिहेवियर देर आर नीड्स

एंड सेकेंड वन इज़ डेथ इंस्टिंग अब ये कहते हैं कि सिगमेंट फ्राइड ये कहते हैं कि हमारे ये जो इनहेरिटेड बिहेवियर होते हैं ये जो इंस्टिंगचुअल बिहेवियर होते हैं लाइफ इंस्टिंग आर नॉन एज एरोस एंड डेथ इंस्टिंग आर आल्सो कॉल्ड थेनाटोल्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए बिहेवियर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो लाइफ इंस्टिंग्स में आते हैं और वो बिहेवियर जो हम डिस्ट्रक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं उसको uh, कहते हैं जनाब डेथ इंस्टिंग तो इन कंट्रास्ट टू एनालिसिस सिगमेंट फ्राइड के अपोजिट जब सोशल साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं तो ये हमें कहते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट हमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं सोशल रिलेशनशिप का और सोशल सिचुएशंस का एंड अकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजिस्ट दीज रिलेशनशिप एंड सोशल सिचुएशंस क्रिएट अवर नीड्स एंड ड्राइव्स इट मीनस दैट अवर नीड्स आर डिपेंडेंट ऑन अवर सराउंडिंग एकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजिट सोसाइटी में ऐसी कोई डेफिशेंसी हमारे लिए क्रिएट की जाती है सोशल सिचुएशन में हमारी नीड्स जो हैं uh, को सोशल सिचुएशन हमारी नीड्स को लीड करती हैं क्रिएट करती हैं और ये नीड जो है वो हमें कंपेल करती है कि हम कोई सोशल बिहेवियर परफॉर्म कर सकें ठीक है अब दो डिफरेंट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जो मोटिवेशनल uh, थेरीज जो नीड्स पे या मोटिवस पे फोकस करें फ्राइड के अकॉर्डिंग इनहेरिटेड टेंडेंसीज होती हैं हमारी इनबोर्न नीड्स होती हैं जो हमें पुश करती हैं कि हम कोई बिहेवियर परफॉर्म करें हमारे जो बिहेवियर है उसके पीछे जो रूट काज है वो हमारे इंस्टिंक्ट्स uh, हो सकते हैं या हमारी जो ड्राइव्स होती हैं वो होती हैं और सोशल साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी सोशल सिचुएशंस या हमारे सोशल रिलेशनशिप कोई डेफिशिएंसी क्रिएट करती हैं और वो डेफिशिएंसी जो है वो हमें मोटिवेट करती है कि हम कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करें फॉर एग्जाम्पल सोशल सिचुएशन किस तरह से डेफिशिएंसी क्रिएट करती हैं डिफरेंट uh, बिहेवियर्स को हम क्यों परफॉर्म करते हैं उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए फॉर एग्जांपल uh, जब जैसे uh, जो एक स्कूल एज का चाइल्ड होता है जब उसके जो, जब प्री uh, स्कूल से वो स्कूल एज में एंटर होता है तो क्या होता है गोइंग टू स्कूल जब वो स्कूल ज्वाइन करता है तो ये स्कूल को जाना घर को लीव करना होम एनवायरनमेंट को लीव करना इट इज़ दी रिक्वायरमेंट अब ये रिक्वायरमेंट होती है डिमांड होती है सोशल सोशल सिचुएशन की दैट वी हैव टू स्टार्ट अवर एजुकेशनल लाइफ जैसे ही हम एजुकेशनल लाइफ में आते हैं जैसे एक बच्चा एजुकेशनल लाइफ में जाता है तो उस सोशल सिच, सिचुएशन की ये डिमांड है कि वो एक रिलैक्सिंग एक सूदिंग एनवायरनमेंट जो कि होम एनवायरनमेंट होता है उसका उसको छोड़ेगा और स्कूल लाइफ को एजुकेशनल लाइफ को स्टार्ट करेगा अब जैसे ही वो इस, होम एनवायरनमेंट से स्कूल एनवायरनमेंट में जाता है तो उसके अंदर एक नीड क्रिएट होती है उसके अंदर एक लोनलीनेस की फीलिंग्स आती हैं और ये जो लोनलीनेस है ना ये इंडिविजुअल की नीड फॉर एफिलिएशन जो है वो लेस हो जाती है डेफिशिएंसी आ जाती है एफिलिएशन की एफ़िलिएशन क्या होता है जो उसको मिल रहा होता है उससे पहले फैमिली मेम्बर से पेरेंट्स से सिबलिंग से तो वहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाती है और लोनलीनेस क्रिएट होती है देन दैट इंडिविजुअल विल परफॉर्म डिफरेंट सोशल बिहेवियर फॉर एग्जांपल यू विल टॉक टू स्ट्रेंजर अपने क्लास फेलो से बात स्टार्ट करेगा इसके अलावा अपने क्लास फेलो से या अपने सराउंडिंग में जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप डिवेलप करने की कोशिश करेगा और डिफरेंट पार्टीज में डिफरेंट गैदरिंग्स uh, को जॉइन करेगा टीचर से बा कम्यूनिकेशन स्टार्ट करेगा तो ये जो नीड है इसी तरह जो लोग अपने घर को छोड़ के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जो एब्रॉड में जाते हैं या अपने सिटी को अपने होम टाउन को छोड़ देते हैं तो एक नीड फॉर एफिलिएशन उनकी जो है वो लेस हो जाती है उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो रही होती डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है लोनलीनेस आती है और उस लोनलीनेस को रिमूव करने के लिए उस एफिलिएशन को सेटिस्फाई करने के लिए इंडिविजुअल जो है वो सोशल बिहेवियर परफॉर्म करता है गैदरिंग्स को अटेंड करता है पार्टीज़ को अटेंड करता है स्ट्रेंजर से बात करता है फ्रेंडशिप्स बनाता है पीयर ग्रुप बनाता है सो इट मीन्स दैट अवर सोशल बिहेवियर इज़ डिपेंडेंट ऑन अवर Deficiency of any social need that is created by our society or our social surroundings. So, according to motivational theory, social behavior jo hai, it is dependent on the unmet needs and deficiencies. If there is any deficiency, it will motivate us to perform certain behavior. Now, moving towards the next theories that, that are known as लर्निंग uh, थेरीज़ अब ये डिफरेंट थेरीज हैं लर्निंग की जो कि अपने कॉन्सेप्ट जो हैं सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट बता रही हैं कोर आइडिया क्या है सेंट्रल आइडिया क्या है लर्निंग थेरीज का दैट प्रेजेंट बिहेवियर इज़ बेस्ड बेस्ड ऑन अवर पास्ट एक्सपीरियंसिस एंड पास्ट लर्निंग हमारे पास्ट लर्निंग पे हमारा जो सोशल बिहेवियर है जो करंट बिहेवियर है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अवर पास्ट लर्निंग सो रिपीटेड बिहेवियर जब आप एक बिहेवियर को रिपीटडली परफॉर्म कर रहे होते हो दैन इट विल बिकम आवर हैबिट एंड

कि हम जब रिपीटेडली एक बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाता है और जब हम सिमिलर स्टेट सिमिलर सिचुएशंस को नेक्स्ट लाइफ में नेक्स्ट किसी सिचुएशन में हम उसी तरह की सिमिलर कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं तो आप वही हैबिचुअल बिहेवियर वही बिहेवियर हम जो ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके होते हैं उसी बिहेवियर को हम रिपीट कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड यूजअली इट मीन्स दैट टू स्टॉप इट मीन्स दैट वी हैव लर्न दिस रिस्पॉन्स इन द पास सो अवर बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन अवर पास्ट लर्निंग एल्बर्ट बेंदूरा ने सोशल लर्निंग थेरी को इंट्रोड्यूस करवाया था बेंधूरा कहते हैं कि आप लर्निंग जो है आपकी सोसाइटी से होती है आप सोशल एजेंट से सीखते हो और बेसिकली बेंदूर बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की कि हम ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी को सराउंडिंग को और उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे होते हैं अच्छा लर्निंग थेरी के लिए थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो यूज होते हैं इन अवर लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन री एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आर मॉडलिन एसोसिएशन को हम क्लासिकल uh, कंडीशनिंग भी कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं अच्छा एसोसिएशन क्या होता है व्हेन वी लर्न बाय एसोसिएटिंग आर पेयरिंग ऑफ स्टेमोलाय फॉर एग्जांपल पेवलेव का एक्सपेरिमेंट हम सब ने पढ़ा हुआ है डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया और उसने एसोसिएट uh, कर लिया एक रिस्पॉन्स को अपने सलाइवा प्रोडक्शन टूवर्ड्स फ़ूड उसको एसोसिएट कर लिया फ़ूड को बेल के साथ और वही रिस्पॉन्स ट्रांसफ़र कर दिया जो फ़ूड की तरफ सलाइवा प्रोडक्शन उसका रिस्पांस था उसको ट्रांसफ़र कर दिया डॉग ने बेल की तरफ भी इसी तरह हम एसोसिएशन किस तरह से करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव एनी पेनफुल एक्सपीरियंस फ्राम दी हॉस्पिटल देन द हॉस्पिटल इज एसोसिएटेड विद दी इन्जाइटी यू विल प्रोड्यूस दिस वर्ड विल प्रोड्यूस एन्जाइटी फ़ॉर यू अगर आपका एनी कोई भी पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है इसी तरह दी वर्ड डॉक्टर इज़ एसोसिएटेड विद दी फीलिंग्स दैट यू हैव डिवेलप फॉर दी डॉक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनी इंटरेक्शन टीचर साइकोलॉजिस्ट ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको आप एसोसिएट कर लेते हो उनसे रिलेटेड फीलिंग्स के साथ हम एसोसिएट करते हैं और एसोसिएशन के बाद हमारी लर्निंग होती है देन दी सेकेंड प्रिंसिपल इज़ री एन्फोर्समेंट री एनफोर्समेंट मीन्स एनी टाइप ऑफ रिवॉर्ड रिवॉर्ड कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव रिवॉर्ड जब भी मिलेगा हमें हमारे किसी भी सोशल बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलेगा तो वो बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा इट मींस दैट रिवॉर्ड कैन स्ट्रेंथन अवर सोशल बिहेवियर हमारा बिहेवियर जो है वो डिपेंडेंट होता है री पे पर सम टाइम्स हम रिवॉर्ड uh, के थ्रू भी अपने बिहेवियर को पॉलिश करते हैं और इनक्रीज करते हैं या कोई भी बिहेवियर हम परफॉर्म करते हैं रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं पॉजिटिव री क्या होती है इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पॉजिटिव स्टिमुलस जब कोई भी पॉजिटिव हमारे लिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब हमें मिलता है तो हमारा जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है और फ्यूचर रेपिटेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं नेगेटिव री एनफोर्समेंट इज रिमूवल ऑफ एनी नेगेटिव स्टेट हम ऑलरेडी किसी नेगेटिव कंडीशन में है, नेगेटिव स्टेट में है तो वो नेगेटिव स्टेट अगर हमारी रिमूव कर दी जाए तो हमारी परफॉर्मेंस हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं री एनफोर्समेंट विल स्ट्रेंथन अवर बिहेवियर नो मैटर इट इज पॉजिटिव Negative, both types of reinforcement will increase our behavior. Third is ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड मॉडलिंग ये थर्ड प्रिंसिपल है लर्निंग थेरीज का इट इज़ लर्निंग बाय वाचिंग अदर्स जब हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करके अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद हम लेटर हम उसी बिहेवियर को कॉपी भी कर रहे होते हैं मोस्टली चिल्ड्रन जो हैं वो कॉपी करते हैं ऑब्जर्व करते हैं पेरेंट्स के बिहेवियर को फैमिली मेम्बर्स को और टीचर्स को अगर आप टीन ऐज में हो आप एडोलेंसेंट स्टेज में हो तो मोस्टली वो जो एडोलेंसेंट होता है वो कॉपी करता है बिहेवियर ऑफ़ फ्रेंड्स पीयर ग्रुप को बहुत ज़्यादा कॉपी करने के चांसेस होते हैं उसके ऑब्जर्वेशन उसकी डिपेंडेंट होती है पीयर ग्रुप पे ठीक है तो अकॉर्डिंग टू योर डेवलपमेंटल स्टेज आपका मॉडल चेंज हो सकता है मॉडलिंग uh, क्या होता है इट इज़ टू इमिटेट और टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ अदर्स एक चीज़ जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो आप सिर्फ ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते लेकिन आप ऑब्जर्व करने के बाद जब इनफैक्ट उस बिहेवियर को कॉपी कर रहे होते हो देन दैट बिहेवियर बिकम्स मॉडलिंग वो आपकी इमिटेशनल लर्निंग होती है वो आपका रिस्पॉन्स होता है जब आप उस बिहेवियर को कॉपी करके आप ख़ुद एक मॉडल बन जाते हो और आप उसको परफॉर्म कर रहे होते हो नाउ नेक्स्ट थेरीज आर कोग्नेटिव थेरीज कोग्नेटिव थेरीज आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ सोशल सिचुएशन हाउ वी परसीव इट मीन्स आवर कोग्नेटिव प्रोसेसिज आर इन्वॉल्व इन हाओ वी परसीव दिस सिचुएशन अब लेवीन ने यूज़ किए थे गेस्टऑल प्रिंसिपल सोशल साइकोलॉजी में अकॉर्डिंग टू लिवीन वी यूज़ सिमिलैरिटी वी यूज़ प्रोजिमिटी वी यूज़ क्लोयर वी यूज़ फ़िगर एंड ग्राउंड परसेप्शन इंटरप्रेट द इवेंट्स टू फॉर्म आवर इमेज अबाउट ईवेंट्स ठीक है अब ये सारे प्रिंसिपल्स में आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो में गेस्ट ऑल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद एक्जाम्पल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं कोगनेटिव थेरीज का बेसिक पर्पस ये है कि हमारे जो सोशल बिहेवियर है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अवर कोग्नेटिव प्रोसेसेस। जिस तरह की हमारी थिंकिंग होती है जिस तरह की हमारी परसेप्शन बनती है उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है हमारी परसेप्शन पॉजिटिव है तो इट मींस दैट वी विल परफॉर्म पॉजिटिव बिहेवियर Uh, now these cognitive theories are different from the learning theories in two major ways. Cognitive theories focus on current perception. Be. हमारी करंट परसेप्शन कैसी है ठीक है बट लर्निंग थेरीज फोकस करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे ये कहते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अवर पास्ट लर्निंग लर्निंग थेरीज के अकॉर्डिंग लेकिन कोग्नेटिव थेरीज उनसे डिफरेंट हैं कोग्नेटिव थेरीज फोकस करती हैं करंट परसेप्शन पे दैट अवर करंट परसेप्शन इज इम्पॉर्टेंट एंड बिहेवियर इज बेस्ड ऑन अवर परसेप्शन देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज कोग्नेटिव थेरीज आर बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशन कॉग्नेटिव थेरीज सिर्फ सिचुएशन पे फोकस नहीं करती वाई लर्निंग थेरीज फोकस आर बेस्ड ऑन जस्ट दी करेंट सिचुएशन एंड सराउंडिंग वो सिचुएशन और सराउंडिंग पे बेस करती हैं कि सराउंडिंग जो होती हैं वो हमारे हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है सोशल सेटिंग से कि हम बिहेवियर को लर्न करें बाय एसोसिएशन बाय री और आर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जबकि कोग्नेटिव थेरीज ये कहती हैं दैट द इवेंट आर सिचुएशन इज इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ वी इंटरप्रेट दिस इवेंट आप जिस तरह से इस इवेंट को इंटरप्रेट करते हो दिस इज इंटर इम्पॉर्टेंट अगर आप एक एक ही इवेंट होता है सराउंडिंग में एक ही इवेंट है उसको कुछ लोग पॉजिटिवली इंटरप्रेट करते हैं तो वो पॉजिटिव उसका इमेज बनाते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो करते हैं और इसी इवेंट को दूसरा इंडिविजुअल नेगेटिवली भी इंटरप्रेट कर सकता है तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा ठीक है तो आप फॉर एग्जांपल बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपको टीचर से डांट पड़ती है तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उस डांट को डांट को पॉजिटिवली परसीव कर रहे होते हैं वो जो उनका टीचर uh, का बिहेवियर होता है उसको वो पॉजिटिवली परसीव करते हैं और नेक्स्ट टाइम वो अपने उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करते कि ये बिहेवियर नेगेटिव था दैट्स वाई टीचर का जो रूड बिहेवियर था वो हमें फेस करना पड़ा ठीक है uh, और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसी डांट को नेगेटिव परसीव कर लेते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन नेगेटिव बन जाती है और वो क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम टीचर की तरफ या तो नेगेटिव एटीच्यूड बना लेंगे इमेज उसका नेगेटिव बना लेंगे या उस क्लास में नहीं जाएंगे या उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी उस क्लास में तो इट मीन्स दैट इवेंट इज देयर इवेंट इज इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ वी इंटरप्रेट एंड हाउ वी परसीव दैट इवेंट सो अवर कोगनेटिव प्रोसेस आर मोर इंपॉर्टेंट then the event itself interpretation of event is more important than the event itself according to cognitive theory cognitive theory ye kehti hai ki hum jis tarah se situation ko perceive karenge usi ke according hum behave karenge so try to be positive and try to perceive the things in a positive way जितना positive perceive करोगे उतना positive बिहेवियर show करोगे जितना negatively interpret करोगे उसी तरह से accordingly आप behave करोगे नेक्स्ट आर डिसीजन मेकिंग थेरीज डिसीजन मेकिंग थेरीज़ के अकॉर्डिंग वी रेशनली कैलकुलेट दी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हम एक्सपेंसेस को भी और हम प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट करते हैं ऑफ आवर डिफरेंट बिहेवियर्स हमारे हम अपने बिहेवियर के कॉस्ट और बेनिफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं एंड देन वी हैव टू सिलेक्ट हम क्या करते हैं हम वो बिहेवियर सेलेक्ट करते हैं दैट इज़ एक्सीलेंट अल्टरनेटिव क्यों एक्सीलेंट कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी आर फेसिंग डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन डिसीजन मेकिंग बेसिकली फोकस करती है कि वैन यू हैव डिफरेंट ऑप्शन वैन यू हैव डिफरेंट अल्टरनेटिवस एंड यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन आपके पास डबल अल्टरनेटिवस हैं डबल डिसीजनज हैं दो वेज uh, हैं uh, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं दो चॉइसिस हैं आपने उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है यू हैव टू टेक डिसीजन अब क्या होता है हमारा माइंड यह मैंटल कैलकुलेशन होती है हमारा माइंड कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है वट आर दी कॉस्ट वट आर दी बेनिफिट्स ऑफ ईच चॉइस आर ईचल्टरनेटिव हर अल्टरनेटिव का हर चॉइस का आपके पास कॉस्ट uh, कितने आ जाते हैं और उसके बेनिफिट्स कितने आ जाते हैं आप प्रेफर करते हो उस चॉइस को उस अल्टरनेटिव को दैट हैज़ मैगजिम बेनिफिट्स एंड दैट हैज़ लीस्ट कॉस्ट जिसकी कास्ट कम होगी बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा आप वो डिसीजन वो अल्टरनेटिव आप प्रेफर कर लेते हो इट मीन्स दैट दिस थेरी इज फोकस्ड ऑन कैलकुलेटिंग द कास्ट एंड बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट एंड देन यू विल सिलेक्ट जस्ट दी बेस्ट वन जो वो अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करते हो जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव होता है जो आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव होता है ना दिस थेरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थेरी अकॉर्डिंग टू दिस थेरी अवर डिसीजन आर बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो इम्पेक्ट डालते हैं हमारे डिसीजन पर हम जो भी डिसीजन लेंगे दो फैक्टर्स मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं उस डिसीजन में फॉर एग्जाम्पल दी वर्थ ऑफ आल पॉसिबल आउटकम आर अल्टरनेटिवस वैल्यू जो आप असाइन कर रहे हो टूवर्ड्स ईच पॉसिबल अल्टरनेटिव आप हर अल्टरनेटिव को वैल्यू दे रहे हो हाउ मच वैल्यूएबल दैटरनेटिव इज फॉर यू

तो आपने वेडिंग भी अटेंड करनी है वेडि वेडिंग पार्टी है आपकी कोई ऐसी वेडिंग सेरेमनी है आपके कज़न की जो आपने अटेंड करनी है और उसी डेट पे आपका एक मिड टर्म एग्जाम भी है नाउ यू हैव टू डिफ़रेंट चॉइसेस दो आपके पास आगे ऑप्शन चॉइस आगे दो अल्टरनेटिवस आगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट जस्ट वन क्योंकि सेम डेट पे हैं तो आपने उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है अब आपने देखना ये है आपने मेंटली कैलकुलेट करना है कॉस्ट और बेनिफिट्स दोनों के आप कज़न मैरिज अटेंड करने जा रहे हो आप वेडिंग सेरेमनी उसकी अटेंड करने जा रहे हो तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और उसके कॉस्ट क्या हो सकते हैं और आप अगर मिड टर्म एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो जाहिर है आपको वो कज़न मैरिज जो है वो छोड़नी पड़ेगी आप वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकते हो तो क्या होगा आपको मिड टर्म एग्जाम में अपीयर होना है तो उसके भी कॉस्ट और बेनिफिट्स आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मिड टर्म एग्जाम में अपीयर होंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बेनिफिट हो सकता है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ग्रेड्स अच्छे आएंगे अच्छा इंप्रेशन बनेगा लर्निंग इंप्रूव होगी ठीक है और इसी तरह उसके कास्ट ये आ सकते हैं कि एन्जॉयमेंट नहीं होगी बोरिंग होगा बहुत कॉस्टली होगा हार्ड वर्किंग है आपने उससे पहले स्टडी भी करनी है अगर आप कज़न मैरिज अटेंड करने जा रहे हो तो उसके बेनिफिट्स कुछ अल्टरनेटिव्स आपके माइंड में आ जाते हैं कि जनाब इन्जॉयमेंट है काफ़ी खाना मिल जाएगा और उसके ड्राबैक्स क्या आ सकते हैं कि यू हैव टू स्पेंड योर टाइम एंड मनी फॉर टू परचेज़ योर ड्रेस ठीक है तो आपने उस टाइम और मनी लगानी है और इसके अलावा आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेड्स जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे रह जाएंगे वो आपको नहीं मिलेंगे तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आप मेंटली कैलकुलेट कर रहे होते हो देन दैट अल्टरनेटिव विच इज़ वैल्यूएबल फॉर यू आपके लिए अगर ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको चाहिए ग्रेड्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए ग्रेड्स हाईली वैल्यूएबल होते हैं और जी बहुत मैटर करता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए ग्रेड्स बस ठीक है जी एवरेज भी आ गया तो तब भी गुजारा चल जाएगा तो अगर आपके लिए जितनी वैल्यू जितना वैल्यूएबल अल्टरनेटिव आपके लिए होगा उतना उस डिसीजन को लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे वैल्यू ऑफ ईच पॉसिबल अल्टरनेटिव ठीक है देन एक्सपेक्टेशन दैट यू विल फेस ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव एज अ रिजल्ट ऑफ़ योर डिसीजन जो भी डिसीजन आप लोगे आप उसके उससे रिलेटेड सारे बेनिफिट्स और का, सारे कास्ट को फेस करोगे ठीक है तो फिर जो जहाँ पे आपको लीस्ट कास्ट नज़र आ रहे होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस कर सकते हो और मैक्सिमम बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं आप वही डिसीजन ले लेते हो कुछ लोग जो हैं वो मिड टर्म एग्जाम में पियर हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए कज़न मैरिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आ, उसकी आ, वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने चले जाएंगे नेक्स्ट इज़ इंटर डिपेंडेंस थेरीज इंटर डिपेंडेंस थीरीज़ क्या होती हैं इट इज़ दैट अवर बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ अदर्स बींग अ मेंबर ऑफ़ सोसाइटी वी डिपेंड ऑन ईच अदर हमारा बिहेवियर दूसरों पे इन्फ्लुएंस डालता है लोगों की थिंकिंग uh, पे लोगों के फीलिंग्स पे लोगों के बिहेवियर्स पे इसी तरह बाकी सोसाइटी के जो मेम्बर्स होते हैं उनकी थिंकिंग फीलिंग और बिहेवियर जो है वो हम पे भी इम्पैक्ट डालता है फॉर एक्जाम्पल पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन सिबलिंग्स का इंटरेक्शन होता है पीयर ग्रुप का इंटरेक्शन होता, होता है तो डेली uh, लाइफ में हम uh, हमेशा अपनी डेली रूटीन में दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हम इन्फ्लुएंस कर भी रहे होते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो भी रहे होते हैं अपने सोसाइटी से दिस थेरी इज आल्सो नोन एज सोशल एक्सचेंज थेरी अकॉर्डिंग टू दिस थेरी वी एनालाइज दोशल इंटरेक्शन विद रेफरेंस टू दि आउटकम्स ठीक है हम क्या करते हैं कि हम अगर हमें सोसाइटी से पॉजिटिव मिलेगा कोई हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहा है इन रिटर्न हम भी हेल्प प्रोवाइड करेंगे हम भी पॉजिटिव एक्सचेंज करेंगे इट मींस दैट सोशल एक्सचेंज मींस दैट इन अवर डेली लाइफ वी आर एक्सचेंजिंग अवर बिहेवियर विद दी अदर्स हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है हमारा बिहेवियर उसी इंटरेक्शन पे बेस करता है कोई सोसाइटी अगर हमें पॉजिटिव दे रही है तो इन रिटर्न हम भी पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगे और अगर हमें कहीं से नेगेटिव मिल रहा है तो इन रिटर्न हम भी नेगेटिव को एक्सचेंज करेंगे सो इट मीन्स दैट इंटरडिपेंडेंस थेरीज का जो बेसिक फोकस है इट इज़ ऑन सोशल एक्सचेंज दट वी आर अवर बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन दी में ग्रुप में उनका बिहेवियर इसी तरह हम पे डिपेंडेंट होता है तो इट इट मीन्स के हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में अपने बिहेवियर को वी विल एक्सचेंज पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली क्या होता है यूजअली वी विल एक्सचेंज पॉजिटिव विदिटिव एंडटिव विदेटिव Last one is socio-cultural theories. These theories are focused on role of culture, process of socialization, then social norms and social role. इन दी सोशल सिचुएशन ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू सोशो कल्चरल थेरीज हमारा कल्चर जो है वो इम्पेक्ट डालता है हमारे बिहेवियर पे सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम इस कल्चर की लर्निंग करते हैं रूल्स और रेगूलेशन होते हैं हर कल्चर के जो हमारे लर्निंग होती है और ये रूल्स और रेगूलेशन एकॉर्डिंग टू अवर सोशल रोल हमें कल्चर बताता है कल्चर क्या होता है कल्चर आर बिलीव वैल्यूज ट्रेडिशन एंड बिहेवियर पैटर्न दैट आर शेयरड बाई मेम्बर्स ऑफ एनी स्पेसिफिक ग्रुप कुछ ग्रुप मेम्बर्स कुछ लोग कम्बाइन होकर मिल के जिन बिलीवस को जिन वैल्यूज़ को जिन ट्रेडिशन्स को शेयर कर रहे होते हैं वो उस ग्रुप का कल्चर बन जाता है ठीक है अब प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन व्हाट इज़ सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी एक्वायर द वैल्यूज़ वी एक्वायर द रूल्स एंड वी द स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर कल्चर आर ऑफ़ आवर स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम विच वी बिलोंग मेन एजेंट्स कौन से हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में दीज आर आवर पेरेंट्स देन सिबलिंग्स देन फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स हो सकते हैं पीयर ग्रुप्स जो आपके होते हैं टीचर्स हो गए कोलिग्स हो गए सोसाइटी एज वेल एज दी मीडिया बोथ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दीज आर एजेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन जिनके थ्रू हम अपने कल्चरल रूल्स को हम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को सीख रहे होते हैं सबसे पहले हमें कल्चर की लर्निंग करवाते हैं हमारे पेरेंट्स वो हमें बताते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कल्चर जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं पेरेंट्स हमें बताते हैं दैट दिस बिहेवियर इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग इन अवर कल्चर ठीक है कल्चरल रूल्स राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट हमें पेरेंट्स देते हैं हैं। जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है हमारे एल्डर सिबलिंग्स हमें बता रहे होते हैं ये बिहेवियर हमने करना है ये बिहेवियर हमने परफॉर्म नहीं करना इट मीनस दैट अवर बिहेवियर इज़ डिपेंडेंट ऑन अवर कल्चरल रूल्स एंड वैल्यूज़ उसके बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमारे टीचर्स होते हैं हमारा पीयर ग्रुप होता है फिर हमारे हम अम जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं वो होते हैं और ओवरऑल हमारा जो सोशल ग्रुप होता है हमारी सोसाइटी होती है वो हमारा जो कंट्री होता है वो हमें बता रहे होते हैं कि हमारे कल्चर क्या है हमारे रिलीजन क्या है हमारा कल्चर क्या है हमारे रूल्स क्या हैं हमारे स्टैंडर्ड्स है, इसके अलावा इसी जो बिलीव्स हैं इनको हम मीडिया भी हमारा शो कर रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक uh, मीडिया भी और प्रिंट मीडिया भी जो हमारी इस लर्निंग में मेन रोल प्ले कर रहा होता है नाउ सोशल नॉम्स सोशल नॉम्स क्या होते हैं एक्सपेक्टेशन आर रूल्स अबाउट हाउ द मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप शुड बिहेव नॉर्म्स हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स होती हैं वो वैल्यूज होती हैं जो 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 सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही होती है जो हमारा कल्चर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हमें बीइंग अ मेम्बर ऑफ़ दैट कल्चर हमें इस तरह से बिहेव करना है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है रूल्स को ओबे करना है Uh, और ये नॉर्म्स जो हैं ये रूल्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू ये डिसाइड होती हैं अकॉर्डिंग टू अवर सोशल रोल रोल सेट ऑफ सोशल रूल्स जो इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सोशल पोजीशन जो हमारी सोशल पोजीशन होती है जो हमारा सोशल रोल होता है सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं दो टाइप्स होती हैं रोल की फर्स्ट वन इज़ स्क्राइब्ड रोल एंड सेकेंड वन इज़ अचीव्ड रोल एस्क्राइब्ड रोल क्या होता है एस्क्राइब्ड रोल इज दैट रोल दैट इज गिवन बाय सोसाइटी जो बाय बर्थ हमें मिल जाता है जो सोसाइटी हमें साइन कर देती है देर आर नो एफर्ट्स नो हार्ड वर्क इज़ इन्वॉल्व फ्राम अवर ओन साइड नो एफर्ट्स आर इन्वॉल्व एयर फॉर एग्जाम्पल जेंडर बाय बर्थ मिल गया बीइंग अ बॉय बीइंग अ गर्ल आपका मेल मेंबर हो सोसाइटी का कल्चर का फैमिली का तो तब आपका बिहेवियर कुछ और होगा एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और होंगी फीमेल मेंबर हो तो आपका रोल कुछ और होगा एक्सपेक्टेशन आपसे जो होंगी अकॉर्डिंग टू योर रोल होंगी इसी तरह रिलीजन आपको असाइन कर दिया जाता है आपको मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिलीजियस रूल्स को ओबे कर रहे होते हो आप उनको फॉलो कर रहे होते हो इसी तरह आपकी कास्ट होती है देन अचीव रोल क्या होता है अचीव रोल इज़ अर्न बाई दी पर्सन विद एफर्ट ये भी हमें बताता है कि हमें कौन से बिहेवियर परफॉर्म करने हैं और ये अचीव रोल हम खुद अचीव कर रहे होते हैं विद अवर हार्ड वर्क एंड विद अवर एफर्ट्स फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ अ डॉक्टर रोल ऑफ अ टीचर रोल ऑफ अ पेरेंट रोल ऑफ अ क्रिमिनल ये ये डिफरेंट रोल्स हैं जो हमने खुद अचीव किए हुए हैं चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है हर रोल की अपनी डिमांड्स होती हैं और हमारा जो बिहेवियर है वो डिटर्मिन डिपेंडेंट होता है हमारे सोशल रोल पे अगर हम डॉक्टर हैं तो हम उसी तरह से उस रोल की डिमांड के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे अगर हम टीचर हैं तो हम उस रोल की डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो उसके रूल्स जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे बींग अ पेरेंट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उस तरह से बिहेव करते हो इसी तरह कोई नेगेटिव रोल आपने बना लिया आप एक uh, क्रिमिनल uh, हो गए हो तो उसके रोल की अकॉर्डिंग uh, आप बिहेव करोगे सो इट मीन्स दैट मेन थीम ऑफ सोशियो कल्चरल थेरी इज दैट अवर कल्चर विल डिसाइड विच बिहेवियर वी विल परफॉर्म ठीक है हमारा बिहेवियर डिपेंडेंट होता है हमारे कल्चरल वैल्यूज़ पे हमारे बिलीफ सिस्टम पे हमारे नॉर्म्स पे हमारे रूल्स स्टैंडर्ड्स पे जो हमारा कल्चर डिसाइड करता है दीज आर डिफरेंट थेरीज़ ये थ्योरेटिकल कान कॉन्सेप्ट हैं जो कि सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉन्सेप्ट